मेरा बेटा परेशान लग रहा है, क्या बात है? वालदा, हमारी मोहतरम टीचर ने हमें आदाब मजलिस लिखने को कहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। बस इतनी सी बात चले मैं लिखवाती हूँ आपको, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आदाब मजलिस क्या होता है, फिर मैं एक एक करके आपको लिखवाऊंगी। मजलिस से मुराद ऐसी जगह है जहाँ कुछ लोग जमा होकर बाहम गुफ्तगू करें। मजलिस में इस तरह बैठना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमारा दीन इस्लाम का जिंदगी के हर पहलू में रहनमाई फराहम करता है, इसलिए आदाब मजलिस के हवाले से भी हमें तालीम देता है, जिस पर अमल करके हम माशरे में माजज शहरी बन सकते हैं। अब लिखो, जब कोई शख्स मजलिस में जाए तो सलाम करे, जहाँ जगह मिले बैठ जाए। लोगों की गर्दने फलांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। मजलिस में बैठकर सरगोशी करना भी आदाब के खिलाफ है। मजलिस में से किसी को उठाकर उसकी जगह बैठना अच्छा तरीका नहीं, इससे तकब्बुर का इजहार होता है। अगर मजलिस में कोई बात कहनी हो तो सदरी मजलिस की इजाज़त से कहनी चाहिए। मजलिस में गुफ्तगू के दरमियान किसी की बात नहीं काटनी चाहिए। अगर बात करना ज़रूरी हो तो बात जारी रखने वाले शख्स से इजाज़त लेकर बात करनी चाहिए। एक वक्त में एक ही शख्स को बात करनी चाहिए। अगर बहुत से लोग इकट्ठे बोलने लगेंगे तो मजलिस का सुकून शोर शराबे में बदल जाएगा। दौरानी मजलिस जो गुफ्तगू हो रही हो इसमें शरीक हो जाएं। जब रसूल इकरम किसी मजलिस में तशरीफ़ ले जाते तो वहाँ जो भी गुफ्तगू हो रही होती आप इसमें शरीक हो जाते। मजलिस में नमाया जगह पर बैठने की कोशिश करना अच्छा रवैया नहीं है ताहिम। अगर अहले मजलिस इसरार करें तो उनकी बात मानकर नमाया जगह पर बैठना चाहिए। अल्लाह पाक का जिक्र और आखरत की याद हर मजलिस का लाजमी जुज है। अहले ईमान की हर मजलिस ऐसी होनी चाहिए जो इस्लामी फिक्र को जाहिर करने वाली हो। मजलिस अल्लाह पाक के जिक्र के बगैर ख़त्म ना हो, वरना वो मजलिस क़ियामत के दिन हसरत और अफसोस का ज़रिया बने। माशा अल्लाह वालदा, आपने बहुत अच्छा बताया, कल मैं जमात में अव्वल आऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम किसी भी मजलिस में शामिल होते वक्त आदाब मजलिस का ख्याल रखें, ताकि दूसरे हाज़रीन को हमारी तरफ से किसी शिकायत का मौका ना मिले।